खरगोन जिले के ग्राम कोठा बुजुर्ग में सर्व समाज द्वारा आयोजित भागवत ज्ञान गंगा के अंतिम दिन मेहगांव से पधारी कथावाचक कुमारी कविता कृष्ण दीदी द्वारा भागवत कथा में आज श्री कृष्ण एवं सुदामा के मिलन को विस्तृत रूप से रूपांतरण कर बताया गया। अपने कथावाचन में कहा कि मित्र वही होता है जो दूर अपने कथावाचन में उन्होंने कहा कि मित्र वही होता है जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ दे। अतः जीवन में जिसका मित्र नहीं है उसका जीवन अधूरा सा है। आज श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन को देखकर दूर दूर से भागवत कथा का लाभ लेने आए श्रवणकर्ताओं की आंखों में आंसू आ गए। वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं द्वारा भागवत कथा में सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुतियाँ पर थिरकने को मजबूर कर दिया। 7 दिवसीय चल रही भागवत कथा में क्षेत्र के दूर दराज से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर श्रवण लाभ लिया। कार्यक्रम में आज अंतिम दिन भागवत के उपरांत महाआरती और प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया। बरूर से रामेश्वर कुमराव की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।